हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एस वाई एस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 के सॉल्यूशन के एग्जांपल नंबर 5। चलिए देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाईक्लोरोइथेन CH3Cl2 एट 293 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में हमको दो वैल्यू फाइंड करनी है। पहला तो देखते हैं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl3 एट 298 केल्विन। और दूसरा फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज। तो देखते हैं पहले हमको क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है। हमको दिया गया है P0CHCl3 इज इक्वल टू 200 mm एंड P0CH2Cl2 इज इक्वल टू 415 mm। तो हमको पहले वेट पता है, ये वेट दिया है 25.5 ग्राम WCHCl3 और मॉलिकुलर मास 119.5। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं CHCl3 इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है। तो कार्बन इज इक्वल टू 12, हाइड्रोजन का 1 और Cl3 3 इंटू 35.5, तो तीनों का एडिशन होकर 119.5 ग्राम पर मोल होता है। सिमिलरली वेट ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू 40 ग्राम, ये भी दिया गया है। एम मॉलिकुलर मास ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू 85, ये सी का 12, एच का 2, Cl2 का 71। तो पहले हमको मोल फाइंड करना है। मोल इज इक्वल टू वेट अपन मॉलिकुलर मास, देयरफॉर एन ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ CHCl3 अपॉन मास ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू 25.5 डिवाइड बाई 119.5 इज इक्वल टू 0.213 मोल। सिमिलरली मोल ऑफ CHCl2 इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ CH2Cl2 अपॉन एम ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 85 इज इक्वल टू 0.470 मोल। अब हमको एन टोटल फाइंड करना होगा। एन टोटल इज इक्वल टू एन ऑफ CHCl3 प्लस एन ऑफ CH2Cl2, तो दोनों का एडिशन 0.213 प्लस 0.470 इज इक्वल टू 0.683 मोल। अब हमको दिया गया है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू एन ऑफ CHCl3 अपॉन एन टोटल, मतलब कोई भी एक कंपोनेंट अपॉन एन टोटल। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे CHCl3, तो एक्स ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू एन ऑफ CHCl3 अपॉन एन टोटल इज इक्वल टू 0.213 अपॉन 0.683 इज इक्वल टू 0.311 मोल। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू एन ऑफ CH2Cl2 अपॉन एन टोटल इज इक्वल टू 0.470 अपॉन 0.683 इज इक्वल टू 0.688। अब हमको फॉर्मूला हमको वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो पी ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू P0 ऑफ CHCl3 इंटू एक्स ऑफ CHCl3, ये हमने फॉर्मूला है। देयरफॉर पी ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू 200 इंटू 0.311 इज इक्वल टू 62.2। अब आपको डाउट होगा कि ये 200 कहाँ से है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर एट 293 केल्विन इज इक्वल टू 200 mmHg। ऑल्सो पी ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू P0CH2Cl2 इंटू एक्स ऑफ CH2Cl2, तो ये भी है 415 इंटू 0.688। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमने आगे फाइंड किया है। इज इक्वल टू 285.52 mmHg। देयरफॉर पी टोटल इज इक्वल टू पी ऑफ CHCl3 प्लस पी ऑफ CH2Cl2, तो 62.2 प्लस 285.52 इज इक्वल टू 347.72 mmHg। अब हमको फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू एक्स इंटू पी टोटल, पर हम यहाँ पे एक्स को पहले ही मोल फ्रैक्शन फाइंड कर चुके हैं, तो एक अलग वैल्यू देते हैं इसी, उसको हम वाई नाम दे देते हैं। देयरफॉर पी ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू वाई ऑफ CHCl3 इंटू पी टोटल, तो वाई सी हमको पी पता है और पी टोटल पता है, तो वाई ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू पी ऑफ CHCl2 CHCl3 अपॉन पी टोटल, तो वाई इज इक्वल टू 62.2 अपॉन 347.72 इज इक्वल टू 0.15। और हमको पता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो हमको अगर x1 पता है तो हम x2 को कैसे डिनोट करेंगे, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो सिमिलरली वाई ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.17,
इज इक्वल टू 0.83। अब ये हमारी फाइनल वैल्यू है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट करें, हम ज़रूर आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे आने और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें। हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। और इस हम पूरा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारे आगे के वीडियो भी ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।